हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मयंक। फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, आपका ही एक पूछा हुआ सवाल जो आपने मेरे से पूछा था। मेरी वीडियोस में आप कमेंट कर रहे थे, पहले एक कमेंट आई, फिर दो तीन कमेंट उसके ऊपर आती चली गई। तो दोस्तों, मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था। एक टॉपिक भी मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा और टॉपिक भी वो अच्छा था, तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ वो टॉपिक क्या था। तो दोस्तों, वो टॉपिक था, मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड की बाइक बुक कराई हुई है। बाइक कोई सी भी हो, मेरी जो बाइक है मैंने उसको बुक कराया हुआ है और मेरे को बुक कराए हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक मेरे को मेरी बाइक की डिलीवरी नहीं मिली है, लेकिन मैंने एक टोकन अमाउंट या आप कह सकते हैं कि बुकिंग अमाउंट से ज़्यादा मैंने पेमेंट कर दी है उनको। सपोज़ आपने 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये आपने उनको पे करके आ चुके हो, या आपने फुल पेमेंट कर दी है, तो क्या आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे या क्या प्रोसीजर होगा? तो कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? और आपका ये भी क्वेश्चन था दोस्तों कि मैंने अपनी बाइक जो पहले से बुक करा दी है, मैंने अपनी बाइक की फुल पेमेंट कर दी है, तो क्या अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मेरे को क्या प्राइस इंक्रीज पे अपनी बाइक लेनी पड़ेगी, मैं उसी प्राइस पे अपनी बाइक ले सकता हूँ? और एक लास्ट आपका क्वेश्चन ये था कि मैं अपनी बाइक को लोन पे लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं लोन उसका करा सकता हूँ? मेरे को लोन कराने के बाद कितना वेट करना पड़ेगा? क्या जो कैश वाले बंदे जो बाइक कैश में ले रहे हैं उनको बाइक जल्दी मिलेगी या लोन वाले को जल्दी मिलेगी? तो चलिए दोस्तों, आपके सारे ही इन क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वाली वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत यूनिक था। वैसे तो मैं ज़्यादातर जो वीडियो शूट करता हूँ वो आपकी ही कमेंट्स करी हुई वीडियो शूट करता हूँ, जो आप मेरे से कमेंट्स करते हैं, कुछ पूछते हैं मेरे से, या जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, आप जो बोलते हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। ज़्यादातर वीडियो जो मैं शूट करता हूँ आपकी ही बोली हुई होती है दोस्तों, तो टॉपिक्स आपके ही बोले हुए होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप इजीली कर सकते हैं। वो होने वाला हमारी इस वाली वीडियो को एक लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल इनफील्ड लवर्स के साथ शेयर करना या उनके साथ शेयर करना जिन्होंने अपनी रॉयल इनफील्ड बुक करा रखी है और उनको अभी तक उनकी बाइक की डिलीवरी नहीं मिली है। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। गाइस, सबसे पहले आपका क्वेश्चन था, मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड बुक कराई हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 महीने मेरे को हो चुके हैं और मैंने अपनी बाइक की फुल पेमेंट कर दी है, लेकिन अभी तक मेरे को मेरी बाइक की डिलीवरी नहीं मिली है, तो क्या मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे या कोई मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको जब आपने बुकिंग कराई होगी, आपको एक रॉयल इनफील्ड की जिस शोरूम की आपने बाइक बुक कराई होगी उस शोरूम की आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, एक पूरी प्रॉपर एक रिसिप्ट मिलती है आपको। ऐसे नहीं कि आपने पैसे दिया और आपको कोई प्रूफ नहीं मिलता, आपको एक रिटर्न में शोरूम की तरफ से एक रिसिप्ट मिलती है, उस पर साफ साफ आप नीचे पढ़ेंगे उस पर लाइन्स में लिखा रहता है। या अगर नहीं लिखा होगा तो आप शोरूम में जाके पता कर सकते हैं। वैसे जो शोरूम की, हर शोरूम की पॉलिसी होती है, अगर आप अपनी बाइक की बुकिंग कैंसिल करते हैं तो या तो वो कुछ आपको अमाउंट काट के देंगे, या हो सकता है कई शोरूम वाले पूरा पूरा आपको रिफंड कर देते हैं। और रही बात फ्रॉड की, दोस्तों वो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, जो शोरूम खोल के बैठा दोस्तों वो एक आज से नहीं होगा, काफ़ी टाइम से खोल के बैठा हुआ होगा जिसका भी शोरूम होगा। तो दोस्तों, फ्रॉड वाली चीज़ अपने माइंड से निकाल दो। देखिए गाइस, ऐसा नहीं कि हम ही परेशान हैं, हमारी बाइक की डिलीवरी नहीं मिल रही, हम ही परेशान हैं। इवन रॉयल इनफील्ड के जो स्टाफ हैं, रॉयल इनफील्ड के जो ओनर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में इस चीज़ को लेके कि जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व हो। देखिए, उनकी भी जो शोरूम की वैल्यू है वो डाउन हो रही है, उनको भी रेंट पे करना होता है, उनकी भी बहुत चीज़ें, अगर उनकी बाइक की डिलीवरी नहीं होगी तो वो भी अपना जो एक्सपेंसिस है वो कैसे बियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उनकी जगह भी आके सोच के देखिए, उनको भी आपको बाइक डिलीवरी करने की जल्दी है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका नंबर 4th है, आपका नंबर 2nd है, आपका नंबर 10th नंबर पे है, तो आपकी जिस हिसाब से आपका नंबर होगा तब आपको आपकी बाइक की डिलीवरी मिलेगी। आपने आपको डिलीवरी मिलने के 2nd नंबर पे हैं तो आपको 2nd नंबर पर डिलीवरी मिल जाएगी। अगर आपका 5वां नंबर है तो आपके 5वें नंबर पर आपकी डिलीवरी मिल जाएगी बाइक की, लेकिन मिलेगी ज़रूर दोस्तों। अब देखिए, 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन दिसंबर अब आ गया है, दिसंबर में रॉयल इनफील्ड की काफ़ी सारी बाइक्स आने वाली हैं, या हो सकता है आ भी गई हों, बस आपको कुछ ही दिनों में आपकी बाइक की अब डिलीवरी मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों, टेंशन वाली बात नहीं है, प्लीज़ इतना घबराइए मत। देखिए, हर कंपनी के साथ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, और ये भी चीज़ छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल इनफील्ड बहुत जल्दी इसको रिकवर करने ही वाला है, बस अब सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने अपनी बाइक बुक करा दी है, मैंने टोकन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट से ज़्यादा मैंने पैसा पे कर दिया है, तो क्या मैं अपनी बाइक की बुकिंग जब वो कैंसिल करा दूं तो मेरे को क्या मेरा पैसा मिल जाएगा? देखिए दोस्तों, आपको पैसा आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आप करा सकते हैं बुकिंग कैंसिल, लेकिन बुकिंग कैंसिल कराने से पहले आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपने अपनी बाइक की बुकिंग अभी कराई है, हाल फिलहाल में 1 हफ्ता या 1 महीना हुआ, तो आप बुकिंग कैंसिल करा सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने से वेट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अब अपनी बाइक की बुकिंग आप मत कैंसिल करवाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ हफ्ते में या कुछ दिनों में ही आपको आपकी बाइक डिलीवर हो जाए दोस्तों। अगर आपको 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अब अपनी बाइक की बुकिंग कैंसिल मत करवाना, अब तो बस कुछ दिन की बात है, आपको आपकी बाइक मिल ही जाएगी, अब कैंसिल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये था कि रॉयल एनफील्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। मैंने अपनी बाइक की बुकिंग पहले ही करा दी थी, मैंने फुल पेमेंट भी कर दी है, तो क्या जब मेरे को मेरी बाइक मिलेगी तो मेरे को क्या पुराने वाले अमाउंट पे ही मिलेगी? लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपकी बाइक अभी हाल फिलहाल में आपको मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और जो कि हो भी रहा है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक थोड़ी सी जल्दी डिलीवर हो रही है, टाइमिंग कम हो चुकी है अब जो वेटिंग पीरियड की। लेकिन दोस्तों अगर इफ़ इन केस 1% भी अगर प्राइसेस बढ़ गए, बेशक आपने अपनी बाइक की फुल पेमेंट कर रखी हो, लेकिन आपको जो दोस्तों बाइक है वो इंक्रीज प्राइसेस पे मिलेगी, आपको और पैसा थोड़ा पे करना पड़ेगा जो भी अमाउंट बढ़ेगा, तो तब आपको आपकी बाइक मिलेगी, अदरवाइज आपकी बाइक आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर होगी दोस्तों। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फोर्थ आपका जो क्वेश्चन था, अपनी बाइक को लोन कराना चाहता हूँ तो क्या मेरी बाइक लोन हो जाएगी? देखिए दोस्तों आपकी बाइक इजीली लोन हो जाएगी अभी भी, लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों अभी रॉयल एनफील्ड बाइक डिलीवर कर रहा है वो उनको डिलीवर कर रहा है जो भी ज़्यादातर जो कैश पेमेंट कर रहे हैं या जो फुली कैश में अपनी बाइक ले रहे हैं, उनको रॉयल एनफील्ड थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी अभी डिलीवर बाइक कर रहा है। अगर आपका लोन है दोस्तों तो हो सकता है कि आपका लोन अप्रूव हो जाए, लेकिन आपको बाइक की डिलीवरी थोड़े दिनों बाद मिलेगी। लोन आप अप्रूव वो भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको जो दोस्तों बाइक है वो अभी नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है आपको एक फुल पेमेंट जो बंदा कैश में बाइक ले रहा है उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो देखने के बाद जरा सी भी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सी भी कोई हेल्प मिली हो इस वाली वीडियो के थ्रू, दोस्तों इस वाली वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें भी ना दोस्तों, मत जाना चैनल को। और कुछ भी आपको क्वेश्चन है, कुछ भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, कुछ भी आपको कुछ पूछना है मेरे से, तो आप सीधा कमेंट कर सकते हो दोस्तों मेरे को, तो आपको इंस्टेंटली आपका जवाब मिल जाएगा कमेंट का। अगर आप वीडियो बनाने की डिमांड करेंगे तो हो सकता है आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें भी ना, चैनल को मत जाना। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।